कोरोना के बढ़ते मामलों और कड़े बायो बबल के तहत आयोजित किए जा रहे आईपीएल में भी इस वायरस के घुसपैठ के बाद टूर्नामेंट को स्थगित कर दिया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने बताया कि आईपीएल को पूरे सीजन के लिए सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। राजीव शुक्ला ने कहा, आईपीएल को सस्पेंड किया गया है, हम आगे देखेंगे कि इसे फिर से आयोजित किया जा सकता है या नहीं। इसे रद्द नहीं किया गया है, इसे बस अभी स्थगित किया गया है। ये फैसला उस समय लिया गया है जब कुछ खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आई हैं। इसके बाद से आईपीएल के आयोजन को लेकर सवाल उठने लगे थे। आईपीएल का आयोजन बेहद कड़े बायो बबल के तहत किया जा रहा था। हालांकि इसके बावजूद सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों संदीप वारियर्स और वरुण चक्रवर्ती का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद हलचल मच गई थी। आईपीएल स्थगित किए जाने को लेकर बीसीसीआई का भी बयान आया है। बीसीसीआई ने कहा, आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई ने एक आपातकालीन मीटिंग में सर्वसम्मति से आईपीएल 2021 सीजन को तत्काल प्रभाव से टालने का फैसला किया। गौरतलब है कि आईपीएल का सोमवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स के बीच मैच नहीं हो सका था। इसके बाद बुधवार को होने वाले मैच को भी टाले जाने की खबर मंगलवार सुबह आई। ये मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला जाना था। हालांकि इसी बीच सीएसके के कोच लक्ष्मीमती बालाजी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्थितियां बदल गईं। बालाजी के कोरोना संक्रमित होने के बाद सीएसके टीम के खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी रिद्धिमान साहा का कोविड 19 के लिए किया गया टेस्ट भी मंगलवार सुबह पॉजिटिव आया। आज शाम ही सनराइजर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला जाना था। ऐसे में इस मैच के टाले जाने की भी अटकलें शुरू हो गई थी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।